हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम ये जो मिशन है मेरिट का, ये मिशन का ऑयलिंग क्लीनिंग देखेंगे। देखिए, ये वाला जो मिशन है ये मेरा एक 8-9 ईयर्स ओल्ड मिशन है। मेरे पास और एक बड़ा मिशन है, तो मैं इसमें सिर्फ पिको के लिए ये मिशन यूज़ करती हूँ। तो क्या हो जाता है कि हमेशा देखिए, जब भी हम मिशन यूज़ करते हैं तो डेली बेस पे अगर यूज़ करते हैं तो मिशन अच्छे तरह से रहता है, या मंथली वंस ऐसे हम यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा स्टिचिंग में जाम हो जाता है। ऊपर से नीट दिखता है पर अंदर से थोड़ा डस्ट सब रहता है। तो अभी मैं क्लीनिंग के लिए, देखिए इस तरह से ये ऑयल ब्रश और जो साइज़ का स्क्रू ड्राइवर है वो यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले तो हम इस मशीन को ओपन करेंगे। हम हमेशा बाहर से फिर इसको क्लीन करते हैं पर अंदर से डस्ट रह जाता है, तो उसकी वजह से स्टिचिंग में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से इसका पहला ये कवर हटाएंगे हम। देखिए अंदर से कितना डस्ट है। अभी ये वाला जो उसका ये पोर्शन है, ये प्रेशर फुट को भी निकालेंगे और नीडल को भी निकालेंगे, और उसके बाद ये वाला उसको बराबर से, जो स्क्रू ड्राइवर फिट होता है उस स्क्रू ड्राइवर से ये वाले ऊपर वाला पार्ट को देखिए इस तरह से ये निकल जाता है। देखिए यहाँ पे कितना डस्ट है। वैसे तो ये क्लोज रहता है पर इसके अंदर ऐसा डस्ट हो जाता है। ये वाला मशीन में अंदर से ऑयलिंग करके डस्ट सब निकाल के 2 मंथ्स हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये ब्रश से हम इसको क्लीन करेंगे। पहले तो ब्रश से क्लीन करेंगे, उसके बाद एक सूखे हुए कपड़े से इसको क्लीन करेंगे। देखिए ये जो ब्लेड वाला पोर्शन है उसके अंदर भी काफी डस्ट जमा हो गया है। तो इसको इस तरह से पॉइंटेड, कोई भी पॉइंटेड चीज से इसको निकालेंगे। मैंने ये नीडल को भी निकाल दिया है। अभी ये वाला जो अंदर बॉबिन वाला जो ये फिक्स करने वाला ये पार्ट है इसको निकालेंगे। तो इस तरह से ये जो ब्लैक दोनों साइड दिख रहा है इसको इस तरह से मूव करने पर ऐसे बराबर से ये निकल जाएगा। उसके बाद अंदर का ये वाला जो पार्ट है इसको भी निकालेंगे। देखिए इस पर भी फुल डस्ट है, इसको हम ऑयल से बाद में क्लीन करेंगे। और इसको अंदर फिक्स करने के लिए ये बराबर से दोनों लॉक टाइप है। ये वाला ब्रश या तो आप पुराना टूथ ब्रश भी आप यूज कर सकते हैं इसको क्लीन करने के लिए। देखिए पहले तो मैं ये ब्रश से जितना भी ऊपर वाला सा डस्ट पोर्शन है उसको मैं निकालूंगी, उसके बाद वो जो ब्लेड के अंदर जो डस्ट है उसको हम निकालेंगे। देखिए इस तरह से नीडल के हेल्प से। इस तरह से हम महीने में एक बार इसको फुल ओपन करके ऑयल करके सर्विसिंग करेंगे घर पे ही, तो हमारा मशीन लॉन्ग लाइफ भी रहेगा और अच्छे तरह से स्टिचिंग भी आएगा।
देखिए अभी काफ़ी नीट हो गया है। अभी देखिए इस तरह से एक सूखे हुए क्लॉथ से हम इसको फुल क्लीन करेंगे। देखिए इस तरह से पहले तो मैंने इसको एक कपड़े से फुल क्लीन कर दिया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। देखिए ऑयल सब ऑयलिंग करने के बाद ये कितना अच्छा क्लीन दिख रहा है। देखिए कभी कभी यहाँ पे बॉबिन का जो थ्रेड होता है वो स्टक हो जाता है, तो वहाँ पे भी हम थोड़ा नीट करेंगे। वहाँ पे अगर थ्रेड है तो उसको निकाल देंगे। वैसे तो यहाँ पे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी ऐसा ऑयल लगा के इसको क्लीन करने से थोड़ा सा शाइन आ जाएगा। देखिए इसका मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि लाइक हमने निकाल दिया है, अब इसको बराबर से हमें इसको फिक्स करना है। देखिए इसको बराबर से यहाँ पे हम फिक्स करके दोनों साइड जो ब्लैक कलर का है उसको लॉक कर देंगे। अगर ये बराबर फिक्स नहीं होता है तो लॉक नहीं होगा, तो इस तरह से इसको बराबर प्लेस करेंगे। देखिए बराबर से ये प्लेस हो गया है, और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको, ये वाला जो ऐसा ग्रिप गैप है इसको ऊपर की तरफ लगाएंगे ताकि नीडल बराबर से उसको इस तरह से इसको फिक्स करेंगे। ये अगर बराबर फिक्स नहीं होगा तो ये ब्लैक वाला जो साइड पोर्शन है वो बराबर से लॉक नहीं होगा, तो इस तरह से देखिए फिक्स हो गया है। अब इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। देखिए लॉक हो गया है।
अभी ये ऊपर इसको भी लगा देंगे। ऑयलिंग करने के बाद कोई भी मशीन हो तो पहले हम एक रफ़ कपड़े पे स्टिच करेंगे, या तो वो फुल ऑयल वाला जो पार्ट है वो फुल कपड़े पे लग जाएगा, इसलिए ऑयलिंग करने के बाद एक रफ़ कपड़े में थोड़ा सा स्टिच करने के बाद ही अच्छे कपड़े पे स्टिच करेंगे। देखिए इसको प्रेशर फुट को भी इस तरह से रख के ये बराबर से देखिए इस तरह से फिक्स हो गया है। ये मशीन का ये वाला बॉबिन है, अब इसको नीडल फिक्स करेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा लूज करके नीडल अंदर की तरफ इन बराबर से करके इसको टाइट कर देंगे। इस तरह से नीडल को फिक्स करना है। तो हमारा मशीन देखिए ऑयलिंग करके क्लीन करके रेडी हो गया है। इस तरह से हम हमारे घर पे हमारा मशीन सर्विसिंग कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ आप मैरिया नेवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।